नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ में नए नगर निगम मुख्यालय का भूमि पूजन यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने किया। निगम मुख्यालय के भूमि पूजन में मंत्री एके शर्मा के साथ लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि गोमती नगर स्थित केंद्रीय कार्यशाला में नगर निगम का नया मुख्यालय बनाया जाएगा, जो कि वो लोक भवन की तर्ज पर बनेगा, जिसे विधानसभा की तरह सदन बनाया जाएगा। साथ ही सभी कर्मचारियों के बैठने के लिए भी कमरे बनाए जाएंगे। इस 5 तल के हाईटेक मुख्यालय में भूमिगत पार्किंग, वेटिंग हॉल, मीडिया कक्ष, पार्षद कक्ष, सदन में 200 से ज्यादा सीट आदि व्यवस्थाएं होंगी। इस मौके पर निगम मुख्यालय के भूमि पूजन में मंत्री एके शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। निर्माण के अवसर पे मैं प्रदेश के गौरव समा इस शहर के सभी वासिंदों को, सभी नागरिकों को, सभी रहने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं लखनऊ की महापौर हमारी बहन सुषमा खरकवाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके प्रयासों से 150 साल पुरानी बिल्डिंग को बदलते हुए नगर निगम की एक नए भवन के निर्माण की आज आधारशिला रखी गई है। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ ही यहाँ के नगर आयुक्त या उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि बहुत ही कम समय में उन्होंने एक 200 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले इस भवन के प्रारूप बनाया है और उसको उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस भवन में ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की व्यवस्था है। आपने अभी देखा होगा मॉडल में कि बहुत ही भव्य इनका कमेटी रूम, जिसमें सभाखंड जिसको कहते हैं नगर निगम की, जिसमें सभा होगी, मीटिंग रूम, आईटी रूम और तमाम जो आधुनिक आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुरूप ये भवन बनेगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो हम एक बार आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से नगर निगम का नया मुख्यालय बनाया जाएगा, वो आप देख सकते हैं कि जो दीर्घा बनाई गई है, आपने विधानसभा देखा होगा, विधानसभा में जो सदन चलता है उस सदन में किस तरीके से यहाँ पर बेंचेस लगाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर 202 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, लेकिन अगर बात की जाए तो लखनऊ नगर निगम में अभी 110 वार्ड हैं और 110 पार्षदों की बैठने की व्यवस्था है। फिलहाल इसमें 202 पार्षदों की बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ये देखिए कमेटी हॉल ये बनाया गया है यहाँ पर बैठकों के लिए। और सबसे साफ तौर पर ये देखिए कि लोक भवन जिस तरीके से बना है, सेम उसी तरह उसी तर्ज पर ये पूरा इसका डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसे में इसमें बहुत सारी सुविधाएं होने वाली हैं और उन सुविधाओं के तहत नगर निगम के जो भी कर्मचारी होंगे वो कर्मचारी अब इस दफ्तर में बैठने के लिए वो तैयार हैं। फिलहाल अभी आज भूमि पूजन कर दिया गया है। नगर विकास मंत्री जो एके शर्मा हैं, उन्होंने यहाँ पर भूमि पूजन किया है, जिसके बाद अब यहाँ पर काम 2 महीने के बाद लगभग यहाँ पर जो कार्य होगा वो प्रारंभ होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं नगर निगम मुख्यालय जो रेलवे की ज़मीन पर अभी लीज पर चल रहा है, किराए पर चल रहा है, वो मुख्यालय यहाँ पर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मीडिया कर्मियों के लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है और जो आगंतुक हैं या जो शहर के निवासी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं उनके बैठने के लिए भी एक वेटिंग हॉल बनाया गया है। तो ऐसे 5 तल का ये पूरा इनका प्रोग्राम है, पूरा DPR बनके तैयार हो चुका है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से नगर निगम अब किस निगरानी में अपने इस मुख्यालय को बनाता है और क्या क्या सुविधाएँ मिल पाती हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।